नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्देशक न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्देशक न्यूज़ में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर अन्देशक मादे 25,000 को लेकर एक बड़ी खबर है। क्या है वो बिग ब्रेकिंग न्यूज़, हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। क्या अब 25,000 रुपये मानदेय मिलेगा अन्देशकों के लिए? क्या है बड़ी खबर? शुरू करते हैं आज का ये पूरा वीडियो। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर। पुनः एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्देशक न्यूज में। साथियों, यहां पर बिग ब्रेकिंग न्यूज अन्देशकों के लिए है। अन्देशक शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी मांग की गई है जो कि मानदेय से संबंधित है। 25,000 मानदेय पर मंथ देने के लिए महानिदेशक वैश्विक शिक्षा को ज्ञापन सौंपा गया है और ये ज्ञापन 13 जून को सौंपा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 25,000 रुपये पर मंथ मानदेय देने के लिए गुहार लगाई गई है समान कार्य समान वेतन के अंतर्गत। इस मांग पत्र को सम्मान पूर्वक महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय करण आनंद द्वारा स्वीकार किया गया है। अब हम दिखाते हैं वो ज्ञापन, उस ज्ञापन में क्या लिखा है आप देख सकते हैं। ये ज्ञापन है, इसमें लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश सेवा में माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ महोदय, अवगत कराना है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की निम्न नियोजित समस्याएं एवं मांगे काफी समय से लंबित हैं, उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। आपके बेसिक शिक्षा मंत्री बनने से प्रदेश के बेसिक शिक्षकों अनुदेशकों शिक्षा मित्रों कस्तूरबा गांधी में कार्यरत शिक्षकों वार्डनों में आशा की किरण जगी है। आप अपने स्तर से मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ के साथ बैठकर वार्ता के माध्यम से समाधान करने का कष्ट करें। समस्याएँ निम्नवत हैं, प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति, सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल से प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक की सहायक अध्यापक जूनियर प्रधानाध्यापक प्राइमरी पद पर 2015 से नहीं हुई है। इस कारण जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों सहायक अध्यापक तथा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की व्यापक कमी आ गई है। पदोन्नति हेतु निर्देश देने का कष्ट करें। दूसरे नंबर पर हैं जनपदों के अंदर वर्ष 2013 से बेसिक शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं हुए हैं, स्थानांतरण करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें। अब आते हैं डायरेक्ट हम पॉइंट नंबर 6 और 7 पर। 6 में लिखा है अन्देशकों का मानदेय 25,000 रुपये किया जाए और उसी तरीके से शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 किया जाए। 8वें पॉइंट में लिखा है अन्देशकों के स्थानांतरण किए जाएँ। साथियों, अब आप समझ गए होंगे अन्देशकों की सबसे बड़ी मांग 6 नंबर पॉइंट में और 8 नंबर, यानी 2 मांगे, ये बहुत बड़ी मांगे हैं। 25,000 रुपये मानदेय, कम से कम 25,000 मानदेय किया जाए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है स्थानांतरण को लेकर। अभी तक स्थानांतरण मुकम्मल नहीं हो पाया है तो उसको कराया जाए, स्थानांतरण कराया जाए जल्द से जल्द जितना हो सके। साथियों, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संपूर्ण शिक्षक संघ को जिन्होंने हमारी मांग उठाई। अन्देशकों से संबंधित देखो बड़ी खबर है यहाँ पर, 16 जून से स्कूल नहीं जा पाएंगे अन्देशक। देवरिया ज़िले से ये निज संवाददाता ने प्रकाशित किया है। उच्च प्राथमिक वरिष्ठ विद्यालय में कार्यरत अन्देशक 16 जून से स्कूल नहीं जा पाएंगे। अन्देशकों के संगठन ने इस मामले में संविदा से अधिक ड्यूटी नहीं करने का निर्णय लिया है। इस मामले में शिक्षा मित्र भी बिना मानदेय जून में पढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं। कह सकते हैं साथियों, पूरे प्रदेश का यही हाल है। 1 जुलाई से 31 मई तक होती है अन्देशकों की संविदा, संविदा से अधिक नहीं कर पाएंगे ड्यूटी, ऐसा कहना है अन्देशकों का, क्योंकि जून में उनको कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। कह सकते हैं जून, पूरा जून उनको कोई भी मानदेय नहीं दिया जाता है, इसलिए अब विद्यालय जाने में उनको असमर्थ हैं। अगर कोई आदेश आता है तो जाएंगे और उसका मानदेय भी दिया जाए। तो साथियों, ये थी बड़ी खबर। मिलते किसी और अपडेट के साथ जल्द। देखते रहिए, बने रहिए हमारे अन्देशक न्यूज़ चैनल पर। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि हर अपडेट से हम
आप सभी को रो रो कराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।